गाइस यार, तो आज हम लोग निकल चुके हैं मॉर्निंग राइड पे, वो भी इतने ठंड में। और बज रहा भाई सुबह के 5। सोचा चलो थोड़ा सा ठंड को भी एक्सपीरियंस किया जाए। अच्छा खासा ठंड आ गया है और अभी हम लोग जाने वाले हैं सिमरिया के तरफ। तो सबसे पहले तो अपन चलते हैं अपने फोटो वाले भैया को पिकअप करते हैं, फिर हम दोनों वहाँ से साथ में चलेंगे। हो भाई बहुत ठंड है, लिटरली देख लो भाई रोड पे कोई नज़र नहीं आ रहा। दो बंदे ही अभी मेरे को लग रहा है कोई काम करने वाले, और पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है। ओ, और अपना वाइजर भी ओपन है कि ब्लैक वाला वाइजर है, तो अगर डाउन कर देंगे तो अभी दिखेगा नहीं। बाकी चलते हैं, अलग अलग चीज़ एक्सपीरियंस करने में अलग ही मज़ा है। बेगूसराय ओवर ब्रिज, लाइट तो अच्छा खासा। भाई साहब, और यहाँ पे देख लो कुछ चालक भी हैं। तो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं भाई लोग। इधर का जो भी है ना भाई ओवर ब्रिज की तरफ ही आ जाता है घूमते घूमते। बाकी यार कोहरा नहीं है, बस ठंड है, तो दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा हवा चल रहा है इतना ठंड में। इतने फोटो वाले भैया भी आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। इनको भी मन नहीं लगता है, बोले हमको भी चलना है सुबह सुबह डेयरिंग करने। लेकिन लाइफ में थोड़ा डेयरिंग भी तो होना चाहिए। हाँ मेरा हाथ कल चलने बोले तो यहाँ तक ही आने में हाल ख़राब हो गया, 1 किलोमीटर आए। चलो मज़ा आएगा आज बहुत। पूरा पैक है न तुम? हाँ भाई, बाकी चला जाए। आग लगा के सब बैठे भाई साहब, बहुत ठंड है भाई। तो भाई नजर ही नहीं आ रहा मेरे सिवा किसी का, सिंगल भाई कुछ टाइम से हम चला रहे जहां से अभी तक निकले। गाइस यार, तो हम लोग आ चुके हैं 0 माइल, और लिटरली बताओ तो भाई मेरा पूरा हाथ का भाई मतलब इतना हालत ख़राब हो चुका है ना, क्या बताए। लगभग 10 किलोमीटर में गाइस यार, तो मेरा तो डायरेक्ट जाने का प्लान था मुगलोला भैया, पहले चलिए चाय पीते हैं फिर अब यहाँ से आगे जाने जाएंगे। ठंड लग रहा है, ठीक है चलो। कहाँ रोके? यहीं आगे आगे चलते हैं। चाय पिया जाए भाई इस ठंड में, मज़ा आ जाएगा। हाँ भाई साहब देख वही वहाँ जाते फिर। हाँ गाइस यार, तो चाय पी के हम लोग निकल चुके हैं, और अपना अगला डेस्टिनेशन अब डायरेक्ट राजेंद्र से तो पुल होगा। हो अपने को वहाँ पे निकालना है एक आज तगड़ा वाला कंटेंट, और साथ में अपना ब्लॉग भी बन गया तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ ही रहा है, मज़ा आ क्या जाएगा, बहुत मज़ा आ रहा है आज बाइक चलाने में, कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। आते आते सुबह भी हो गया है, लगभग 6 बजने को आया। आप देख सकते हो कहीं पे भी एक बाइक नज़र नहीं आ रहा है। अरे भाई अलग मज़ा है भाई, इस खाली रास्ते पे अकेला बाइक चलाने का भी अलग वाइब है। तो गाइस, तो आज सुखे है इधर से एक नज़ारा देख लो अभी सामने। पता नहीं कैमरा वमरा दिखा पाता है कि नहीं खूबसूरत नज़ारा, बाकी बहुत ही प्यारा नज़ारा है।
गाइस तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से नीचे, वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स निकालना है। हो, सही बताओ तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। हो, आ चुके हैं नीचे एंड तो सबको आग ताप रहे हैं। यहीं के आगे चले, कल कृति भी बोला था आग ताप तो एक क्लिप देने, हमको भी बोला था। सामने का नजारा देखिए, लिटरली अभी वहीं से हम लोग नीचे आए हैं, मस्त लग रहा है। अपना फोटो वाले मस्त मस्त फोटो निकाल रहे हैं, इधर पे देख लो भाई इतना ठंड है, सब आग ताप रहे। हम भी थोड़ा सेक ही लेते हैं क्योंकि मेरा भी हाथ का हाल हो चुका है खराब। चलो जा भाई, आग तो भी ताप रही है, थोड़ा सा भाई राहत मिल गया, उस समय से बहुत ठंड लग रहा था। अंदर है जेबी में, चलो वही तो मेरा। थोड़ा सा भाई अब मतलब हाथ वो फ्री हो गया भाई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया है। जी कौन चैनल है यहाँ का? ये है लिखा बस बेगवे सर है यार का बगले एक, ये है मोटो राइडर, मतलब ये लिख मतलब कि आपका नाम मोटो राइडर बाइक पे कुछ